वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पार्सल आया है। ये पार्सल भेजे है डिलीवरी कुरियर से, तो देख लेते इसको निकाल के किसने भेजे हैं। तो इस पार्सल को निकाल लिए हैं। एक छोटा सा ये पैकेट है जिसके अंदर इस तरफ ये मेरा एड्रेस है और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और ये पार्सल हमारे पास भेजे है संजय पाटिल जी ने, जो रहते हैं गुजरात में। तो देख लेते इसके अंदर क्या भेजे हैं, इसको खोल लेते। तो इसके अंदर से ये एक छोटा सा बॉक्स जैसा है, तो इसके अंदर देखते। तो ये उन्होंने एक कार्ड भेज दिया है, जो एनके 2.6 का ये कार्ड है। तो इसको चेक करके देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सही करेंगे। तो इसको अभी टीवी में लगा के चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो कार्ड आए हैं एनके 2.6 का, तो इसको अभी टीवी के साथ लगा के चेक कर लेते इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सही करेंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर HDMI लगा देते हैं, अब इसमें पावर दे देते हैं। पावर दिए तो यहाँ पे ये बूट लोगो आ गया है कुछ इस प्रकार का। और ये कार्ड चालू है, कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो इसमें सॉफ्टवेयर में है, और इस कार्ड में उनको हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर भी डालना था, तो इसके अंदर हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। ये सबसे पहले हम एक बार देखेंगे यहाँ पे जो RS-232 का पोर्ट है उससे एक बार देख लेंगे सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता तो इसका जो फ्लैश IC है उसको निकल के सॉफ्टवेयर कर देंगे। तो इस कार्ड को हमने इस सेट टॉप बॉक्स का जो फ्रंट पैनल डिस्प्ले है उसके साथ कनेक्ट कर लिए हैं। आप देख लेते इसके अंदर USB से सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर पाते क्या नहीं। यहाँ पे हमने पेन ड्राइव लगा दिए है, आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके देखते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का मेनू का इंटरफेस है, और इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड यहाँ पे है सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन। तो मेरे पेन ड्राइव में कुछ सॉफ्टवेयर है ये रिकवरी करने के लिए, तो ये फर्स्ट जो रिकवरी है इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको देखते हैं अपग्रेड करके अपग्रेड होता है कि नहीं। तो ये एरर आ गया है, मतलब इस सॉफ्टवेयर से तो ये रिकवर नहीं हो रहा है। तो मेरे पास और भी कुछ डाउनग्रेड सॉफ्टवेयर है, उसी से भी देख लेते। ये इनके डाउनग्रेड सॉफ्टवेयर है, इससे देख लेते। यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर है डाउनग्रेड करने के लिए। फर्स्ट वाला जो है उसको देख लेते। तो इसमें भी एरर आ गया है, और इसमें भी अगर एरर आता है तो मेरे ख्याल से ये USB से डाउनग्रेड नहीं होगा। इसमें भी एरर आ रहा है। लास्ट जो सॉफ्टवेयर है उसी से भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम एरर आ रहा है। तो मतलब ये इसका कोई डाउनग्रेड तो सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास हो सकता है तो, मेरे पास नहीं है तो मैं इसका RS-232 जो पोर्ट है उसी से मैं इसके अंदर हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ। तो इस कार्ड में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे हमने ये RS-232 का जो केबल है वो यूज़ किए है, और यहाँ पे ये लोडर के मदद से ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 25% हुआ है, 26% हो गया है। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद देखते ये RS-232 केबल से सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है क्या नहीं। तो इस कार्ड के अंदर हमने RS-232 केबल से ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर कर दिए है। तो इसके अंदर हमने हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर किए थे। तो इस कार्ड को मैं चला के दिखा देता हूँ। तो इस कार्ड को हमने ऑन कर दिया है, और ये आ गया है हेलो बॉक्स 6 का ये बूट लोगो। और इसके अंदर
एलोबस का सॉफ्टवेयर किए तो मतलब एक क्यूआर कोड आएगा। अब इस क्यूआर कोड को हटाने के लिए यहाँ पे एल कोड डालना पड़ेगा। तो हमने इसका एल कोड परचेस कर लिए हैं, तो इसका जो एल कोड हमें मिला है वो यहाँ पे इंटर कर लेते। इसका एल कोड है 53772, तो इंटर कर दिए हैं। आप यहाँ पे करते ओके, तो देख सकते हो ओके किए तो ये हेलो बॉक्स का मेनू खुल चुका है। जब तक एल कोड नहीं डालेंगे तब तक वो क्यूआर कोड भी रुके रहेगा और एल कोड ख़रीदना पड़ता है, एल कोड फ्री में नहीं मिलता है। dbbcode.com वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। तो ये कार्ड में सिर्फ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, तो हमने सॉफ्टवेयर सही करके इसके अंदर हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर भी डाल दिया और इसका एल कोड भी डाल दिए, तो ये कार्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है कार्ड में या फिर सेटअप बॉक्स में, कोई भी हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा है, उसको अगर सही कराना चाहते हैं तो हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ये वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही है। जो फ्रेंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।